थोड़ा नून पा दे सो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग आज है मंडे दिन कड़ा है सोमवार मंडे ना सत्री की है 18 मार्च तो अभी मैं एक जगह से आया घर लेट हो गया था थोड़ा तो डाइट वगैरह तो पहले से कुछ नहीं है बट प्री वर्कआउट में एटलीस्ट एक एप्पल फ्रक्टोस और उसके ऊपर ये है हिमालयन पिंक सॉल्ट जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट अच्छा पंप देता है और अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस अच्छा रखता है। तो ये खाने के बाद हम जूस पीने जाऊंगा मैं एप्पल खाने के 15 से 20 मिनट बाद। इसमें मेरा प्री वर्कआउट C4 क्योंकि C4 का डब्बा काफ़ी बड़ा था और सप्लीमेंट भी वो मेरा ख़त्म होने वाले थे लगभग तो मैंने ये अपने मल्टीविटामिन के डब्बे में उसको कैरी करके लाया मैं पंजाब में क्योंकि इतने सारे डब्बे कैरी करना इम्पॉसिबल। तो उसकी एक सर्विंग 6 ग्राम की सर्विंग है पर ये 5 ग्राम का स्कूप है एक आध ग्राम चलता है थोड़ा बहुत। सो दिस इज ब्लू आईसी रेड्स फ्लेवर ब्लू रेसबेरी टाइप होता है कलर सोना ना सर्फ एक्सल मेरा मामा जी का बेटा बोल रहा है कि ये सर्फ एक्सल पी रहे हैं गदा बड़े मामा जी का लड़का अमनदीप सिंह मेरे को 2 ब्लॉग पहला पे ने वो एडिट करना बाकी ने एक हो गया एडिट तो एक बाकी है फिर तीजा अज है बेकार पाऊगा ब्लॉग बनने तो बाद मतलब हुण वीडियो अगर देखिए बुधवार नो हो गया वीडियो क्योंकि एक को पई है वो आज पा दूं एक कल पा दूं एक फिर चलो रे ऑफ टू जिम अपनी हो गई सन किस्ट वाली वीडियो चिट्टा कोई आपका पाया जूस चिट्टा नहीं है एक्चुअली विच हैगा क्रिएटिन 5 ग्राम आपू प्री वर्कआउट पीने वास्ते जूस पा अब इसका हिंदी वर्जन इसमें था क्रिएटिन और मैंने इसमें जूस मिलाया बस प्री वर्कआउट में 15 मिनट पहले वर्कआउट गन्ने में क्वेश्चन होता है क्रिएटिन कैसे लें तो अगर प्री वर्कआउट में ले रहे हो तो बेस्ट है कि किसी भी जूस में ले लो क्योंकि जब क्रिएटिन किसी फ्रक्टोस के साथ दैट मीन्स फ्रूट के साथ रिएक्ट करता है तो उसका डाइजेशन अच्छा रहता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जल्दी जाएंगे। प्लस आपको अगर प्री वर्कआउट में आप फ्रक्टोस यूज़ कर रहे हो कोई फ्रूट खा रहे हो या जूस पी रहे हो तो आपका वर्कआउट भी अच्छा होगा और पोस्ट वर्कआउट में मैं इसको लूँगा 5 ग्राम क्रिएटिन अपने प्रोटीन के साथ मिक्स करके। Thank you.
आज का वर्कआउट था चेस्ट और बाइसेप। चेस्ट के 3 वेरिएशन हो गए हैं। पहला था इंग्लैंड डंबल प्रेस, जिसके मैंने 3 सेट्स लिए 10 रेपिटेशंस के। उसके बाद लिया मैंने ये चेस्ट प्रेस मशीन, उसके भी 3 सेट लिए 10 to 8 रेपिटेशंस के। लास्ट वाला 8 रेप का गया मेरा। और फिर थर्ड नंबर पे हमने किया डिक्लाइन क्लेवर फ्लाई लोअर चेस्ट के लिए, और लास्ट अभी पैक फ्लाई। पैक फ्लाई भी 3 सेट से लूँगा, सबके 3-3 सेट है। रेफरेंज वही 8 से 12 या 10 इसके बीच में रखी है। और ये अभी चेस्ट का है लास्ट वेरिएशन, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाइसेप्स का वर्कआउट। बाइसेप्स पहले एक्सरसाइज है हैमर कर्ल्स, 3 सेट रहेंगे 10 रेपिटेशंस के। वेट मॉडरेट टू हाई होगा। सो देख
करण डोसा बहुत चलता लगता है, लेकिन सारा कुछ मोस्टली सारा कुछ सामने कह गए ना तो पता कर दें। चूर सारे लगते हैं ना, सारे देखते हैं।